कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ही बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। कहते हैं ना कि कभी कभी टाइम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन थी। पहले मैं बीमार हो गई थी और जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला तो उसके बाद मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ठीक हो गया है। तो यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा है और फरमान आज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं। अभी 3 बज रहे हैं तो फरमान ने कहा कि मैं लंच नहीं करूँगा, बस मुझे ब्लैक टी और कुछ समोसास और कुछ जिंगर स्ट्रिप्स बना दो। तो वही मैंने बनाया। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को क्यों ना ईयर फायर के बारे में थोड़ा सा बताऊं यहाँ पर। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये किस तरह से बने हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो ये बिल्कुल ही ड्राई बनते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, यहाँ तक कि अच्छे ही नहीं लग रहे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते, ये मैंने खुद इनको जल्दी उतारा है क्योंकि फिर ये थोड़े से सख्त से हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। मगर कहीं ना कहीं जो हमें क्रेविंग्स हो रही होती हैं तो उसके लिए फिर ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिंगर स्ट्रिप्स हैं चिकन की, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इससे तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ऊपर से बहुत ही मज़ेदार, अंदर से बिल्कुल जूसी, और ये है कि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी जैसे इनको होना चाहिए। बल्कि मैं यूँ ही कहूँगी कि ये जैसे हम ऑयल में बनाते हैं तो उसे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये एयर फ्रायर में बने हैं। हमें तो ये पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। और इसका जो कलर है वो इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं, और नहीं, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ही हुए हैं। बट थोड़ा सा जैसे लाइट लाइट सा, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आया है। तो ये है। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को समोसा के बारे में बताती हूँ। तो इसके बारे में भी मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो इतना ज़्यादा समोसा नहीं पसंद था, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और ये मैंने घर में नहीं बनाया है, ये रेडी टू कुक मैं पैकेट लेती हूँ पंजाबी समोसास का। तो ये उनके हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है, 1% भी ऐसा लगता नहीं है कि ये ऑयल में नहीं बने हुए। इतने परफेक्ट, इतने डिलीशियस इनके इसके जो जायके में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और ये जो समोसास के जो डो होती है उसमें तो थोड़ा सा ऑयल डलता ही है, तो मैं भी उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। तो हो सकता है बट हमारे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ही टाइम से ये सारी ही चीज़ें छोड़ दी थी, तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि वो लोग सोच नहीं सकते कि कितना ही अच्छा हो गया है कि एयर फ्रायर आ गया है।
और वैसे मैंने अभी तक काफ़ी ही चीज़ें बनाई हैं, आगे भी मेरी बहुत से प्लान्स हैं। तो मैंने अब यही डिसाइड किया है कि मैं अब आप लोगों के साथ कोशिश ये करूँगी कि जो कुछ भी मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। तो इंशाअल्लाह ज़रूर अब मैं ऐसे ही करूँगी, अपनी पूरी ही कोशिश करूँगी। तो बस मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी बनाई और फरमान के लिए ब्लैक टी बनाई। फिर उसको हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपको आप लोगों को कुछ थर्मस दिखाने के लिए। मैं गई थी नाइस स्टोर कल और मोहम्मद हसन का जो थर्मस था वो ख़राब हो गया था। वैसे मेरे घर में और भी थे बट वो सारे ही ख़राब ही हो गए थे। तो मैं वैसे लेने गई थी जस्ट एक और मैं लेकर आई हूँ चार क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑफ़र में मिल रहे थे। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि फिर मैं कैसे ही छोड़ देती तो यही है। तो मैं एक मोहम्मद हसन के लिए लेकर आई हूँ और तीन घर के लिए। तो उसमें से मैं हमेशा से फेयर ही लेती हूँ, तो बिल्कुल एक जैसे ही लेती हूँ। और ये जो ब्लैक वाला है ये दो मैंने एक जैसे ही लिए हैं और ये बहुत अच्छी ऑफ़र में है। इसकी जो प्राइस थी वो आई थिंक 160 या 170 रियाल्स थी। जी बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये। स्टील के नहीं है, ये है प्लास्टिक के, बट काफ़ी ही हैवी है ये। और पता नहीं मेरे हाथ को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार से ख़ारिश हो रही थी तो और ये मैं गहवा के लिए लेकर आई हूँ अरबिक कॉफ़ी के लिए, क्योंकि मेरा अरबिक कॉफ़ी जिसमें मैं सर्व करती थी या हम जिसमें मैं डालती थी वो भी ख़राब हो गया था। तो ये मैं अरबिक कॉफ़ी के लिए लेकर आई हूँ और इसकी जो प्राइस है वो जस्ट 50 रियाल्स है। सीरियसली जी, और ये बिल्कुल हल्की क्वालिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर्स में मिले थे और एक जो है वो मैं फिर कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो मैं मोहम्मद हसन रूम में सो रहे थे तो उधर रखा हुआ था। इंशाअल्लाह जो चौथा है वो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर फिर हम आ गए थे तकरीबन 4:30 के करीब, क्योंकि फरमान के एक फ्रेंड हैं, उनकी अभी ही शादी हुई है और वो यहाँ पर आ रहे थे घूमने के लिए नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस के काम से आ रहे थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी साथ में लिया, तो उनके लिए हम यहाँ पर स्वीट बुक करवाने आए थे। और फरमान ने मुझसे कहा कि चले हम दोनों कॉफ़ी भी पी लेंगे। तो बस ये है कि वो लोग भी बस अभी आने ही वाले थे बट थोड़ा सा जो है वो लेट हो गए थे। तो फरमान ने हमारे लिए अपने लिए और मेरे लिए कॉफ़ी मंगवा ली थी।
हसन के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ता है क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो वो शायद यही सोचते हैं कि मैं बस भागते रहूँ और मेरी माँ मुझे ना पकड़े। तो बस इसके पीछे भाग रही थी और परेशान हो रही थी। ये तो मुझे ऐसा लगता है सारी ही मॉम्स का मसला है। तो बस फरमान यहाँ पर काफ़ी इन्होंने ऑर्डर कर दी थी और आ भी गई है। साथ में उन्होंने ये केक ऑर्डर कर दिया था जो कि मैं बिल्कुल भी खाने वाली नहीं थी। बट अब फरमान को हो रहा है कि नहीं, मुझे खाना चाहिए थोड़ा सा मीठा। तो ये है, और बल्कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मीठा था बट कॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हमने अपनी जो जगह थी वो चेंज कर ली थी क्योंकि उस जगह से बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो बस इस तरह से था और फिर हम दोनों ने ही बहुत अच्छे से कॉफ़ी को एंजॉय किया, केक को एंजॉय किया। और फिर फरमान के जो फ्रेंड थे वो आ गए थे और फिर मैंने उनको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। बट ये सब कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही थी तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर कॉफ़ी पी और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे तो हमने जो उनके लिए स्वीट बुक किया था फिर हमने उनको रूम में भेज दिया था ताकि वो लोग वहाँ पर रेस्ट कर लें क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। वो रियाद से आए हैं इधर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने अपने घर पे उनको वेलकम क्यों नहीं किया और अपने घर में ही उनको रूम क्यों नहीं दिया। तो वो यहाँ पर ऑफिस के काम से आए हैं और हमारा जो घर है वो सिटी से काफ़ी ही दूर है तो इस वजह से हमने यही प्लान किया कि हम उनके लिए ऑफिस के साथ ही होटल में रूम बुक करें। तो बस यही है और बस अब हम वो रेस्ट करेंगे और अब हम जा रहे हैं घर। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो और अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखेगा और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।